सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली ये जो वीडियो है, एक छोटा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है। सो उसके ऊपर जो मतलब फ्रंट पे जो ग्रिल आता है, जो पंच का ह्यूमिनिटी लाइन है, जो एडवेंचर एंड एडवेंचर तक जो है ब्लैक कलर पे आता है, एडवेंचर के ऊपर का जो मॉडल है उसमें क्रोम कलर का आता है, तो मैंने जो है वो क्रोम कलर पे चेंज किया। और इसका प्राइस मुझको लगभग पड़ा है 5000 के आसपास, और मैंने 1000 रुपीज़ पहले से एडवांस दे के रखा था, जो ऑलमोस्ट अक्टूबर महीने पे ऑर्डर दिया था मैंने, और मेरा एक्चुअली जो पार्ट है मार्च महीने पे आया। आप समझ सकते हो कितना दिन बाद आया। फिर भी एक्चुअली ये जो चीज़ है ये उतना आई थिंक ज़्यादा मिलता भी नहीं, क्योंकि मैंने एक बार दिल्ली करोलबाग में भी जाके मतलब गया था कुछ काम से, तो वहाँ पर भी जाके मतलब बहुत ढूंढा, कोई भी दुकान पे नहीं मिला। एक उधर टाटा का जेन्युइन शॉप है, उधर जाके भी देखा था, दोनों साइड का मतलब मिल रहा था, लेकिन जो मिडिल वाला पार्ट है वो भी नहीं मिल रहा था। एंड टीसी मोटर्स पे भी ये दोनों जो साइड है, ये दोनों साइड का पार्ट बहुत दिन पहले ही आ गया था। जो मिडिल वाला हिस्सा है वो मतलब ऑलमोस्ट ये मार्च महीने पर आया, ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास। एक बार जो है मैं ये इंस्टॉलेशन दिखा दे रहा हूँ, मतलब उतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सर्विस सेंटर से करवा रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आप घर में करवाना चाहते हो तो इधर इधर एक स्क्रू है और इधर भी एक स्क्रू है और इधर भी एक स्क्रू है, ये टोटल जो DRL सेटअप है निकल जाएगा। फिर यहाँ से ये आप जो ब्लैक कलर का जो आता है वो आप चेंज करके क्रोम पे क्रोम कलर का इंस्टॉल कर सकते हो। ये दोनों साइड का ईजी है, बट हाँ इस साइड का थोड़ा सा दिक्कत देगा। अगर मतलब ये दोनों जो DRL का सेटअप है ये खुल के इधर 3-4 स्क्रू है और कुछ लॉक है इधर, सो ये सब करके ये चीज़ आप करवा सकते हो। बट हाँ शोरूम पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग कर देगा, बट अगर आप घर में करना चाहते हो तो ये दोनों साइड का इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ मिडिल पार्ट का थोड़ा सा मतलब यू कैन से कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा देख के करना होगा, क्योंकि इस साइड पे 3-4 स्क्रू है, इस साइड पे भी 3-4 स्क्रू है, और फिर उसके बाद इधर कुछ पुश लॉक है, उसके बाद ये फिट होता है। तो अब देखो कैसे लग रहा है। मेरे को तो ये जो क्रोम है क्रोम ही अच्छा लगता है, बट हाँ ये किसी किसी को वो जो ब्लैक कलर का है वो भी अच्छा लगता है, और जो पंच का जो कैमो एडिशन है उसमें एक ग्रे कलर का जो है ये ह्यूमिडिटी लाइन देता है। सो ये जो है ये पूरा ही सब्जेक्टिव मैटर है, इसको कौन सा चीज़ पसंद है ज़्यादा, बट मेरे को ये जो है क्रोम लाइन जो है यही सबसे बढ़िया लगता है, तो इसके लिए ही मैंने ऑलमोस्ट 5000 रुपया दे के ये अपडेट कराया। अब देखो अभी मैं बोनेट बंद करके एक बार दिखा देता हूँ फाइनल वाला लुक। तो अगर आप चाहो तो आप करवा सकते हो, अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहोगे तो मैं उधर मतलब पूछा था ऑलमोस्ट 3500 के आसपास आ जाता है ये पूरा सेट, बट हाँ वो आपको खुद से लगाना पड़ेगा, और उतना मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये दोनों साइड का तो इजीली आप कर दोगे, बट हाँ ये जो मिडिल का है, जो मिडिल का पार्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखो फाइनल वाला लुक। मेरे को ये जो क्रोम है क्रोम कलर का ही मतलब एकदम अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैंने किया। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ। और मेरा गाड़ी अभी नेक्स्ट वीक पे जो है थर्ड सर्विस होगा, थर्ड मतलब फुल एंड फाइनल फ्री सर्विस, तो उसका भी उसके बाद वीडियो दूंगा। एक साल हो जाएगा मेरा गाड़ी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ रिव्यू देने का कोशिश करूंगा। तो या दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।